जो है टेक्नो का मोबाइल है और उसमें जो है ओटीपी नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं आ रहा, तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो वही आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपके पास जो है टेक्नो के अलावा भी किसी और कंपनी का मोबाइल है और उसमें भी ओटीपी नहीं आ रहा और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जो है सारे मोबाइल में जो सेटिंग्स होती है वो जो है सिमिलर होती है, मतलब सेम ही होती है, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपकी मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसको आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लिया। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है कहीं पर देखना है, आपको कहीं पर दिखाई देगा नीचे की साइड ऐप्स का ऑप्शन या फिर आपको दिखाई देगा ऐप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन। तो आपको जो है इस ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मैनेज ऐप्स का ऑप्शन या फिर आपको दिखाई देगा ऐप लिस्ट का, तो आपको जो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर जो है आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है मैसेज वाला ऐप आपको यहाँ पर ढूंढना है, मतलब आपको मैसेज वाला ऐप आपको यहाँ पर देख लेना है जिस पर आपके जो है मोबाइल में मैसेज आता है। तो यहाँ पर मैंने जो है मैसेज वाला जो है ऐप यहाँ पर दिख चुका है, या फिर आप लोग ऊपर भी सर्च कर सकते हो दोस्तों। आप लोग को आपको यहाँ पर सर्च करना है मैसेज, तो आपको ये वाला ऐप आपको दिख जाएगा मैसेज वाला। तो आपको जो इस मैसेज वाले ऐप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है फोर्स स्टॉप का ऑप्शन, तो आपको जो है फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करना है और आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टोरेज का ऑप्शन, तो आपको जो है स्टोरेज पर जाना है और स्टोरेज का डाटा आपको जो है क्लियर कर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा कर देना है स्टोरेज का, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो मैसेज ऐप है उसका स्टोरेज जो है फुल हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास मैसेज या फिर ओटीपी नहीं आता। तो आपको जो इसका स्टोरेज है उसका डाटा आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है दूसरे नंबर पर दिख रहा है डाटा यूजेज का ऑप्शन, तो आपको जो है डाटा यूजेज पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका जो भी आपके मोबाइल में सिम लगी है उनका डाटा ऑन है या फिर नहीं है। तो आपका जो अगर आपकी सिम का डाटा ऑन नहीं है तो भी आपके पास जो है कभी कभी जो है ओटीपी नहीं आता। तो आपको जो है दोनों सेटिंग्स को, मतलब इन दोनों, मतलब आपके मोबाइल में दो सिम है तो आपको दोनों का जो है डाटा ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है ऐप परमिशंस पर। ऐप परमिशन में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर जितनी भी परमिशन आती है यहाँ पर आपको उन सभी परमिशंस को अलाउ कर लेना है, ऑन कर लेना है। जितनी भी परमिशन आपकी यहाँ पर ऑफ है उन सभी को ऑन कर लेना है। अगर पहले से ही ऑन है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों रेस्ट्रिक्ट डाटा यूजर्स का ऑप्शन, पर आपको क्लिक करना है और आपको जो आपका जो भी सिम लग रही है, मतलब आपका जो भी मोबाइल में सिम लगी है उसका डाटा यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है। ये दोनों टिक लगा है इनको ऑन कर लेना है आपको। उसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन। इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। बस दोस्तों आपको इतना सा काम करना है। उसके बाद आपके पास जो है ओटीपी आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपके पास ओटीपी नहीं आता तो आपको यहाँ पर जो है क्या करना है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों कि आप लोग जब भी ओटीपी सेंड करते हो उस टाइम पर आपको अपनी जो यहाँ पर एरोप्लेन मोड है, यहाँ पर फ्लाइट मोड बोलते हैं जिसको, उसको आपको यहाँ पर ऑन करके जो है ऑन करना है। उसके बाद आपको ऑफ करके उसको फिर ओटीपी आपको भेजना है, तब आपके पास जो है ओटीपी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं आता तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको देखना है क्या आपकी जो भी सिम पर जो है ओटीपी आ रहा है उसमें रिचार्ज है या फिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारी सिम में जब रिचार्ज नहीं होता तब भी हमारे पास ओटीपी नहीं आता। तो आपको जो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो है आपको इन सभी मैंने जो भी तरीके बताए हैं उनका आप लोग फॉलो करके देखना, आपके पास जो है ओटीपी आ जाएगा।